जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पॉटिंग एरर के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक स्पॉटिंग एरर को देख लिया है। जो इस चैनल पर नया है वो कृपया इन वीडियो को देख लें और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप प्रोनाउन वाले वीडियो को देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं वन बाय वन करके। बी केयरफुली, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। दिया हुआ है द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। चलिए देख लेते हैं। द ऑडियंस में कोई गलती नहीं है। आर रिक्वेस्टेड, ये भी सही है। टू बी इन इट्स सीट, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑडियंस आर लगा हुआ है, इट मीन्स ऑडियंस आपका प्लूरल है। ऑडियंस जब प्लूरल है तो यहाँ पे इट्स जो है, इट्स सीट्स, इट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दियर। आप लोग दियर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दियर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग दियर लगा लीजिएगा, इट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 47। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। तो ध्यान दीजिए, जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो सेम चीज का करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ व्हीकल्स है ना, व्हीकल, द नंबर ऑफ व्हीकल जो दिल्ली वाले रोड पे चलते हैं उसकी तुलना अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। तो यहाँ पे ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर से तुलना नहीं कर रहे हैं, हमको उस ऑन द रोड ऑफ बेंगलोर पे कितने व्हीकल चलते हैं उनसे तुलना करना है। तो इसलिए मोर देन के बाद आपको लगाना है दैट ऑफ। मोर देन के बाद दैट ऑफ आपको दिखाते हैं व्हीकल, द नंबर ऑफ व्हीकल को दिखा रहा है। तो यहाँ पे मोर देन के बाद आपको लगाना है दैट ऑफ, क्या लगाना है, दैट ऑफ। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 48 में। देखिए कह रहा है, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑफनेज। तो ध्यान दीजिए, बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई, अब देखिए यहाँ पे अगर हम किसी को, हिम को एडमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट हिम के रूप में होना चाहिए, सब्जेक्ट हिम के रूप में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बीइंग के बाद ही हो जाएगा। बीइंग ही अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑफनेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको ही लगाना पड़ेगा बीइंग के बाद। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 49 को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो ध्यान दीजिए, वन शुड कीप हिज, यहाँ पे जो हिज आया है यहाँ पे हिज नहीं आएगा, वंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वंस, यहाँ पे वंस हो जाएगा, हिज नहीं होगा। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है। देखिए, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लास्ट समर आई वेंट टू शिमला, इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं है, एंड एंजॉयड वेरी मच, एंजॉयड माई सेल्फ होगा यहाँ पे, एंजॉयड माई सेल्फ,
क्या हो जाएगा, इंजॉयड माई सेल्फ, क्योंकि इंजॉय के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो देखिए, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे, इफ आई वर ही आई वुड टीच हिम अ लेसन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है इफ आई वर ही, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा। इफ आई वर ही, If I were he, यहाँ पे him जो दिया है, him नहीं होगा, क्या होगा? He होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 52। Being a rainy day, देखिए फिर आ गया being, तो being a rainy day I could not go to school। अब being a rainy day, अब यहाँ पे subject नहीं है, अगर subject नहीं लगाएंगे तो I, यहाँ पे अर्थ अच्छा नहीं होगा क्योंकि I ही इसका subject बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रैनी के लिए, हम लोग क्या लगाते हैं? इट का प्रयोग, इट बीइंग अ रैनी डे, तो बीइंग के पहले हम लोग क्या लगा देंगे? इट, बीइंग के पहले हम लोग इट लगाएंगे। इट बीइंग अ रैनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 53। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वन आया है, वन के लिए यहाँ पे एक जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगाया है, तो यहाँ पे दियर आपका नहीं होगा, दियर की जगह पे हो जाएगा हिज, क्या हो जाएगा? हिज। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 54 में दिया हुआ है मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव्स ही। अब यहाँ पे देखिए, पहले ही जब नाउन आ गया है, मिस्टर शर्मा पहले ही आ गया है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे ही लाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ही यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55 दिया हुआ है। 55 में देखेंगे, ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड शी वॉज हैप्पी। ईच गर्ल दिया गया है, ईच गर्ल माने प्रत्येक लड़कियों को दिया गया है, जब प्रत्येक लड़कियों को दिया गया है तो शी वॉज हैप्पी क्यों होगी? दे वर हैप्पी होंगे, क्या होंगे? दे वर हैप्पी होंगे, क्योंकि लड़कियाँ बहुत हैं ना, उसमें से प्रत्येक को दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वॉज की जगह हो जाएगा आपका देवर, क्या हो जाएगा? देवर। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 56। कह रहा है माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। तो देखिए, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी आपका सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, और क्रम को चेंज करने के लिए आपको पहले ही लगाना पड़ेगा, ही एंड आई, ही एंड आई, क्योंकि 2-3-1 वाले रूल से हम लोग चलेंगे, तो पहले आपका थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही एंड आई, ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग, He and I will manage everything। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 57। द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। तो देखिए, द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन, तो whose origin has been a matter of speculation। तो यहाँ पे whose का प्रयोग नहीं होगा, whose का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे whose
ओरिजिन की जगह पे द ओरिजिन ऑफ विच का प्रयोग होगा, किसका होगा, द ओरिजिन ऑफ विच, द ओरिजिन ऑफ विच का प्रयोग होगा, क्योंकि हुज का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। गंगा आपका नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग विच का प्रयोग करेंगे, तो द ओरिजिन ऑफ विच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है, माई फ्रेंड इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंस इजंट इट। अब ध्यान दीजिए, इजंट इट क्यों नहीं आया है, इट नहीं होगा, इजंट ही होगा, इजंट ही क्या हो जाएगा, इजंट ही। अगला देख लेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा है 59 में क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। अब ध्यान दीजिए, बेटर ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे विच ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विच ऑफ होना चाहिए। तो इट इज बेटर, इट इज डिफिकल्ट टू से, इट इज डिफिकल्ट टू से विच विच इज बेटर ऑफ, तो यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं होगा, विच का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, विच का प्रयोग होगा, विच इज द बेटर ऑफ टू प्लेयर्स। आगे अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में दिया हुआ है, इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। तो ध्यान दिए, इट इज द बेस्ट विच, अब विच का प्रयोग हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। अब आप कहेंगे दैट का प्रयोग तो दोनों के लिए होता है, तो विच क्यों हटाया गया, विच इसलिए हटाया गया, द बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।